हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दास हेयर अगेन एंड आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। रिसेंटली प्रेस बू बोल के एक आई ड्रॉप निकला है एंड इट्स क्लेमिंग दैट इट कैन रिप्लेस योर स्पेक्टिकल। इसका मतलब है आप अगर इसको यूज़ करते हो तो आपको ये नॉर्मल चश्मा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि इज़ इट ट्रू और जस्ट फेक रूमर। तो ये है क्या, प्रेसबू इज़ ए मेडिकेशन विच हैज़ बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। ये कोई नया दवाई नहीं है, इसको पाइलोकार्पिन का डेरिवेटिव्स बोलते हैं एंड वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर ग्लोकोमा आँखों के लिए और कुछ अदर डिजीजेज के लिए। एंड सिंस 1800 वी हैव बीन यूजिंग दिस मेडिकेशन, बट रिसेंटली दे हैव कम अप विद दिस आई ड्रॉप्स फ्रॉम दिस मेडिकल कंपनी एंड दे क्लेम दिस कैन रिमूव योर स्पेक्टिकल फॉर नॉट फॉर एवरीवन, फॉर दोज हु हैज़ नियर विजन प्रॉब्लम, मतलब जिनको सामने से पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है उसके लिए। ये चीज़ 2020 से 2022 में 174 पीपल के ऊपर ट्रायल किया गया और 80% लोगों के ऊपर इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं था। और जितने भी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट थे, इट्स लाइक ब्लडीनेस और भीषण रेड आईनेस और इरिटेशन, ईचिंग, बट आफ्टर यूजिंग फॉर सम मोर टाइम दोज साइड इफ़ेक्ट ऑल्सो डिसअपियर्ड। एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ये 40 से 50 ईयर्स के बीच में जिन लोगों को आई का प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट है, पर उसके बाद जैसे ओल्ड एज में जिन लोगों को आई का प्रॉब्लम है इट माइट नॉट वर्क बिकॉज उनका जो आई का मसल है दे बिकेम वीक। सो द क्वेश्चन इज कैन एवरीबडी यूज़ इट फॉर लॉन्ग टाइम, बट द थिंग इज़ नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम। जो लोग काम करते हैं रेगुलर बेसिस जैसे लैपटॉप्स फ़ोन, जिनका मोर देन 10-12 आवर और 15 आवर्स का टाइम होता है काम करने का, उनके लिए इट्स नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट्स कॉन्टीन्यूसली गोइंग टू अफेक्ट योर मसल्स इन द आई। अदरवाइज यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर दैट इज़ इट रियली गुड फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होती है एंड जस्ट बाई यूजिंग ओवर द काउंटर ड्रग इट्स माइट कॉज मोर प्रॉब्लम टू योर आई। सो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट दिस मेडिकेशन। This medication works for 6 to 8 hours. After using, within 15 minutes, you start having a proper vision. But my advice, final advice is always consult a doctor, check your eyes before using this medication, and always ask your ophthalmologist, can I use this one? That's all for today. Keep your attitude high, don't let it dry, and be with me for next videos. So I can teach you more about new things, new medical medications, the good food, healthy foods and everything. Thank you and take care of yourself. Bye.